सत श्रीकाल, नमस्कार, राम राम टू एवरीबडी। की हाल चाल चढ़दी कला दोस्तों, स्वागत है आपका वेटनॉक्स दी वेटनरी यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे आज जर्मनी के इंपोर्टेड बुल की, जो कि SAG के साबरमती आश्रम गौशाला सीमा स्टेशन का बुल है। बुल का नंबर है HF10255। स्टार्ट करेंगे बुल की पेडिग्री डिटेल से। ये बुल जर्मनी मेस्टरिन से इंपोर्ट किया गया है, जिसका क्रॉस चिल्टन, चार्ली एंड सिल्वर का है। देखते हैं बुल की पेडिग्री डिटेल को। स्टार्ट करते हैं बुल के पेटर्नल साइड मतलब फादर साइड से। सायर पीक चिल्टन, पेटर्नल ग्रैंड एम नो फ्ला हेरी डबल एस ई टी, पेटर्नल ग्रैंड सायर अल्टा रॉबसन, पेटर्नल ग्रैंड एम सायर सुपर शॉट। ये तो था इस बुल का पेटर्नल डाटा। अब बात करते हैं इसके मेटर्नल डाटे की मतलब मदर साइड के बारे में। डैम क्लासिका 1197, मेटर्नल ग्रैंड डैम KL क्लासी, मेटर्नल ग्रैंड सायर DG चार्ली, मेटर्नल ग्रैंड डैम सायर सीगुल बे सिल्वर। ये तो थी इस बुल की फुल पेडिग्री डिटेल। अब बात करते हैं इस बुल के जेनेटिक ट्रेट्स के बारे में। सबसे पहला ट्रेट है प्रोडक्शन ट्रेट। इस बुल की जेनेमिक वैल्यू 1925 किलोग्राम है, मतलब 8 से 10 किलोग्राम की इम्प्रूवमेंट देगा ये बुल। बुल की जेनेमिक फैट 71 किलोग्राम है। बुल की जेनेमिक प्रोटीन 66 किलोग्राम है। बुल के सायर की जेनेमिक वैल्यू 1350 किलोग्राम है। बुल की डैम की जेनेमिक वैल्यू 2172 किलोग्राम है। इस बुल की डैम यील्ड देखें तो 13487 किलोग्राम है और ये डैम यील्ड इसकी फर्स्ट लैक्टेशन का रिकॉर्ड है। फैट 3.46% है, प्रोटीन 3.28%। जेनेमिक वैल्यू में ये बुल बहुत अच्छा है, क्योंकि बुल की खुद की, मदर की, फादर की, सभी की जेनेमिक वैल्यू बहुत ही हाई है, जो कि प्रोडक्शन का इम्प्रूवमेंट साइन है। बुल की RZG वैल्यू मतलब टोटल मेरिट इंडेक्स 151 है। बुल की RZM वैल्यू मतलब टोटल मिल्क प्रोडक्शन 149 है। बुल की RZR वैल्यू मतलब हेल्थ एंड फर्टिलिटी की वैल्यू 109 है। बुल की RZE वैल्यू मतलब टोटल कंफर्मेशन इंडेक्स 117 है, जिसमें फीट एंड लेग्स का स्कोर 107 है एंड अडर का स्कोर 118 है। अभी ये बुल आप कहाँ यूज़ कर सकते हो, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। अब ओवरऑल बुल की RZG वैल्यू देखी जाए तो ये काफ़ी अच्छी है, मतलब ओवरऑल बुल सभी ट्रेड्स एंड पैरामीटर में काफ़ी अच्छा है। सेकंडली, ये बुल आप सुपर शॉट की हीफर्स एंड काउज में यूज़ ना करें। थर्डली, जिन काउज के स्ट्रक्चर वीक हैं, आप इस बुल को यूज़ करके स्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट ला सकते हो। देन इस बुल को आप मिल्क इम्प्रूवमेंट के लिए अपने हर्ड में यूज़ कर सकते हैं। ये तो था बुल का पूरा डाटा। अगर आपको जर्मनी की ब्रीडिंग एवेल्युएशन को समझना हो तो आप बुल सिलेक्शन की प्लेलिस्ट पर विजिट कर सकते हो, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। उम्मीद है आपको बुल का डाटा समझ आ चुका होगा। हमने शॉर्ट एंड ईजी वे में जेनेटिक्स बताने की कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए इम्पोर्टेड बुल पर बात करेंगे। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहिए। नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। और किसी तरह की क्वेरी के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।